हेलो एवरीवन, मैं ग्लोटस से सीमा शर्मा। आज मैं आपके साथ वीडियो जो शेयर करने वाली हूँ ये हैंकी टकिंग की वीडियो है और एक ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और किस तरीके से आप अपनी साड़ी को रुमाल के साथ स्टाइल कर सकते हो। आपके साथ काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइल्स शेयर करने वाली हूँ। आपको मेरा हैंकी टकिंग का जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एंड इसके साथ साथ अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को जल्दी ही पूरा करूँगी। एंड अभी बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट हैं, मैं धीरे धीरे सभी की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। अगर आपकी हाइट कम है तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है साड़ी वेयरिंग की, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप साड़ी पहनते हो ना तो आपका जो कद है वो भी काफ़ी अच्छा खासा लंबा दिखे एंड आपका जो साड़ी का स्टाइल है काफ़ी अच्छा दिखेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं तो आज मैं आपके साथ एक चैनल और शेयर करने वाली हूँ, इंडिया यमी रेसिपी। इस चैनल का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं, टेस्टी बनाती हैं एंड जो इनकी रेसिपी है काफ़ी ईजी होती है। दरअसल ये मेरी भाभी हैं तो आप इनका चैनल एक बार ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, तो आपको नई नई डिशें देखने को मिलेंगी, बनाने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए हैंकी टकिंग के लिए। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने कॉटन की हैंकी ली है और इसमें कुछ फ्लावर्स भी बने हुए हैं। इसको हम ट्रायंगल शेप में कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं जैसे यहाँ पर मैंने किया है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर सेंटर पॉइंट जो होता है वहाँ से एक कॉर्नर को नीचे फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर आएगा और दूसरे कॉर्नर को भी कुछ उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ देखिए, और इसको हमने पलट दिया है तो कुछ इस तरीके से रुमाल का डिज़ाइन आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारा लगता है कि इस तरीके से आप अपनी हैंकी को फोल्ड करके टक करते हो अपनी साड़ी में, तो कुछ इस तरीके से लुक आता है। यहाँ आप देख सकते हैं किस इस तरीके से आप अपनी साड़ी में रुमाल को टक कर सकते हो और ये बहुत ही प्यारा स्टाइल लगता है। आपको मेरा ये स्टाइल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरीके से बॉर्डर भी देखिए इसमें दिख रहा है, जो दो बॉर्डर हैं वो भी दिख रहा है और ये ऊपर से स्क्वायर में दिख रहा है, यानी ट्रायंगल शेप में प्लस स्क्वायर शेप में, दोनों शेप में आपको ये दिखाई देता है। सेकेंड स्टाइल के लिए हम फिर से कॉटन का हैंकी लेते हैं जैसे यहाँ मैंने लिया था, और उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में। और ट्रायंगल शेप में एक बार फोल्ड करते हुए यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ ना, ठीक इसी तरीके से आपको करना है, ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है एक साइड को, एक कॉर्नर को। और फिर हम जो दूसरा कॉर्नर है जो काफ़ी लंबा है उसको सेकेंड बार कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, तो इसका शेप कुछ ऐसा आ जाएगा, ट्रायंगल शेप में इसका भी शेप आएगा बट आगे से ये थोड़ा जिगजैग में आएगा। इसका जो बॉर्डर होता है देखिए लंबे में आएगा और हैंकी का जो बॉर्डर है वो आपको जिगजैग में दिखेगा, तो ये स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ अगर आप लंबी हैंकी स्टाइल करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से, ये स्टाइल आपको कैसा लगा आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई हुई हैं, आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। अब नेक्स्ट स्टाइल में आपको करना क्या है, ऐसा हैंकी लेना है कुछ इस तरीके से और उसको फिर से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ, और फिर उसको फिर से हम एक बार कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं, आप देखते जाइए जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ, और फिर से हम उसको फिर से एक बार और फोल्ड कर लेना है। बट हमने इसमें हमें जो हमने पहला फोल्ड किया था उसका बॉर्डर दिखना चाहिए कुछ इस तरीके से,
तो ये भी कुछ जिग जैक में आएगा इसका स्टाइल। यहाँ देखिए ये लंबे जिग जैक में आएगा और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है अगर इस तरीके से आप अपनी हैंकी को स्टाइल करते हो। तो इसका भी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से आएगा। ये स्टाइल काफ़ी प्यारा लगता है। ये मेरी मॉम है, उनको ये स्टाइल बहुत ही प्यारा लगता है, तो अधिकतर वो ऐसे ही अपनी साड़ी में हैंकी को टक करती हैं। मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, ये स्टाइल कुछ इस तरीके से आएगा, तो बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट स्टाइल में फिर से हम इस तरीके से हैंकी लेते हैं, कॉटन की हैंकी, और उसको फिर से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद आप यहाँ देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, ठीक इसी तरीके से आपको भी करना है। बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिग जैग की तरह हम हैंकी को फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखते जाए पतली पतली, जैसे हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपको अपनी हैंकी को फोल्ड करते हुए जाना है जिग जैग की तरह। यहाँ देखिए ये स्टाइल बहुत प्यारा लगता है। जिग जैग शेप आती है और ये ट्रायंगल शेप में ऊपर से आता है। यहाँ जब मैं साड़ी में टक करूँगी तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी साड़ी में टक कर सकते हो ये स्टाइल बनाकर। इससे आपका जो बॉर्डर है हैंकी में, अगर बॉर्डर है तो वो भी दिखता है, और साइड में जो हैंकी है वो जिग जैग की तरह दिखती है, तो बहुत प्यारी लगती है ये स्टाइल। मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत प्यारा लगता है, तो वो लोग भी ये स्टाइल करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए ये स्टाइल। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ये सारी वीडियो जो मैंने बनाई है हैंकी टकिंग की, ये रिक्वेस्टेड वीडियो हैं, और मैं आपके साथ जब मैं अपनी वीडियो को शेयर करती हूँ, अपने आइडियाज़ को शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट स्टाइल में फिर से हम कॉटन की हैंकी लेते हैं और उसको फिर से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पर मैंने किया है। और इसके बाद से हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हैं। जहाँ देखिए इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप पीछे से एक फोल्ड और करें और इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ देखिए, और ये ऐसे नीचे से वो जिग जैग की तरह शेप बन जाती है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसका जो बॉर्डर है, अगर आपकी हैंकी में बॉर्डर है तो वो जिग जैग शेप में जब दिखती है तो वो साड़ी में, मतलब आप कह सकते हैं साड़ी में जब ये स्टाइल हम करते हैं ना, तो गजब स्टाइल लगता है हैंकी का, बहुत प्यारा लगता है ये। आप जरूर करना, बहुत प्यारा लगता है और ये जिग जैग की तरह शेप आती है। ये हैंकी टकिंग का स्टाइल बहुत प्यारा है। आपको ये स्टाइल कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट स्टाइल में हम फिर से कॉटन की हैंकी लेते हैं और उसको फिर ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेते हैं। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद आपको कुछ सिंपल सा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसमें आप देख सकते हैं बॉर्डर ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ से होते हुए जिग जैग की तरह, ये सिंपल सोबर स्टाइल है। अगर आपको कोई स्टाइल नहीं आता तो इस तरीके से अगर आप करके आप अपनी साड़ी में स्टाइल कर लेते हो हैंकी को, तो भी ये स्टाइल बहुत प्यारा लगता है। तो आपको मेरी सारी हैंकी स्टाइल कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।